हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 9 से 12 तक की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 6 लेकर आई हूँ बच्चों। और इस वर्कशीट की हेडिंग है कि स्वयं की समझ, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ। ओके, और ये बच्चों आपका पार्ट 2 है। जो हमने 5th वाली वर्कशीट पढ़ी है वो इसका पार्ट 1st है। ओके, तो इसको मैं पढ़ के बताती हूँ आपको कि इसमें लिखा क्या है। तो लिखा है, पिछली वर्कशीट में हमने समझा कि क्षमताएं हम सब में होती हैं। हम समझेंगे कि ये अपनी खुशी के अनुरूप विकसित भी की जा सकती हैं। अच्छा तैराक बनना हो तो तैरना सीखना होगा, और बागबानी का शौक पूरा करना है या हो तो पेड़ पौधों की समझ बढ़ानी होगी। बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्विमिंग सीखनी है, अच्छा तैराक बनना है, तो उसके लिए आपको तैरना सीखना होगा ना। परफेक्ट बनने के लिए, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस लेना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने सुना है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट बनाती है। किसी भी चीज़ में आपको कैरियर बनाना है या कुछ सीखना है तो आपको उसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें यही बताया। और छोटा सा एग्जांपल दिया, अगर आपको पौधे ही लगाने हैं, पौधे लगाने सीखने हैं, बागवानी सीखनी है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि पौधे किस तरह से लगाए जाते हैं। ठीक है ना, आगे दिया है बच्चों, क्षमताओं के अनुरूप कैरियर। क्षमताओं के अनुरूप कैरियर, मान लीजिए कि किसी को पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कोई टीचर नहीं बनना चाहता, किसी को पढ़ाना नहीं अच्छा लगता, उसको जाके क्लास में छोड़ दिया कि आप बच्चों को पढ़ाओ, नहीं होगा। ठीक है ना, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो क्षमता ही नहीं है काम करने की। ठीक है, ये ज़बरदस्ती नहीं करवाए जाते काम, कोई भी ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाता। अगर आपको उसकी नॉलेज है या उसमें आपका इंटरेस्ट है किसी भी काम में, ठीक है, तो ही वो काम कर सकते हो, नहीं तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस गतिविधि में क्या दिया है बच्चों, इस गतिविधि में हम अपनी विभिन्न क्षमताओं और सपनों के बारे में सोचेंगे, ताकि अपने भविष्य में या भविष्य के लिए कई सारे दरवाजे खोल सकें। मैंने पहले भी अपनी वर्कशीट में कहा है कि आपको, जब भी आप पढ़ाई लिखाई करते हो तो आपको सोच समझ के अपना कैरियर चुनना है, किस तरह से अपना आगे भविष्य बनाना है, ये सोचना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अभी 10th जिन बच्चों ने पास कर लिया है, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि हमें आगे कॉमर्स चाहिए, आर्ट्स चाहिए, साइंस चाहिए। ठीक है, तो अपने भविष्य के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। साइंस लोगे तो आप डॉक्टर बन सकते हो, नर्स बन सकते हो, और भी साइंटिफिक जो कैरियर हैं उन्हें चूज़ कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आप CA बन सकते हो, और जी आप बैंक में सर्विस कर सकते हो। ठीक है, बैंक में नौकरी कर सकते हो, कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती हैं हर जगह, हर चीज़ के लिए। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो उसके लिए अलग कैरियर है। तो सारी क्षमताएँ और कैरियर आपको अपने सेट करने पड़ेंगे पहले से ही। तो इसमें यही बताया गया है। अब लिखा है, पहला कॉलम है क्षमता का, विजुअलिटी कर पाना। विजुअलिटी कर पाना मतलब आगे के लिए सोच पाना। आप विजुअल करोगे कि अगर मैंने आर्ट ली है तो मुझे कहाँ, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, विजुअलिटी कर पाना का मतलब है दिमागी क्षमता, आपके दिमाग में कितनी क्षमता है। ग्राफिक डिज़ाइन कर सकते हो, अगर आप अपने दिमाग में विजुअल करोगे कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अगर आप सोचोगे, आप करना चाहोगे तो ही आप कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, जोखिम उठाने से डर नहीं लगना। मूल्य आधारित क्षमता मतलब अगर आप रिस्क से नहीं डरते हो, ठीक है, अगर आपको रिस्क से डर नहीं लगता है तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो, अपनी कंपनी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ों में रिस्क लेना पड़ता है, बड़े काम की शुरुआत तो रिस्क से होती है। तो इसका कैरियर भी बताया है इन्होंने, अपना उद्यम शुरू करना, यानी कि अपना ही काम शुरू करोगे तो उसके लिए रिस्क चाहिए। ठीक, फिर है किसी और की भावनाएं समझ पाना। मूल्य आधारित क्षमता, किसी और की भावनाओं को समझ पाना, मतलब काउंसलिंग की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, 20 किलो वजन आराम से उठा पाना। अगर आप वजन उठाने के काम कर सकते हो तो क्या बन सकते हो आप, खिलाड़ी, वेट लिफ्टिंग। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से जैसे आपकी क्षमता होगी वैसे ही आपका कैरियर होगा। ओके, अब आप ऊपर दिए गए उदाहरणों को समझकर अपनी तीनों प्रकार की क्षमताओं के आधार पर संभावित कैरियर के बारे में
आगे लिखा है बच्चों, अपने किसी दोस्त से भी अपने संभावित कैरियर के बारे में बात करें और कम से कम 3 कैरियर की सूची बनाएं। तो यहाँ पर जो आपको कॉलम बना के दिए हैं, यहाँ पर आपको अपनी क्षमताएं लिखनी है और अपने दोस्त की क्षमताएं लिखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से देना है, ओके। तो इसका आंसर है बच्चों, फर्स्ट कॉलम में मेरी क्षमता लिखना है आपने, ठीक है, और मेरे कैरियर की लिस्ट पहले अपने बारे में लिखेंगे फिर अपने दोस्त के बारे में लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, चुस्त व सेहतमंद और खेलों में अच्छा करना, गायन व वादन, व्यापार करना, अच्छा भाषण देना, ठीक है। ये 4 आपने क्षमताएं अपनी लिखी हैं कि क्या क्या आप कर सकते हो, और लिफ्ट और इसका कैरियर क्या होगा, कैरियर की लिस्ट क्या होगी बच्चों, खिलाड़ी या पुलिस ऑफिसर बनना, ठीक है, खिलाड़ी बनना या पुलिस ऑफिसर बनना, गायक या संगीतकार बनना, ठीक है, गायन व वादन में क्या आएगा, गायक से या संगीतकार बनना, व्यापार करने में क्या आएगा बच्चों, उद्यमी या व्यापारी बनना, अच्छा भाषण देने में क्या आएगा, टीवी एंकर या नेता बन जाओगे, ठीक है। फिर अपने दोस्त की क्षमताएं लिखनी है, दूसरों की मदद करना तो समाज सेवक बनोगे, ठीक है, अच्छी तस्वीरें लेना तो फोटोग्राफर बन सकते हो, कंप्यूटर चलाना अगर आपको आता है तो सॉफ्टवेयर में काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, कविता व कहानी आपको लिखना अगर आता है तो आप क्या बन सकते हो बच्चों, लेखक बन सकते हो, ठीक है, और अगर आपको पढ़ना व पढ़ाना आता है तो आप अध्यापक बन सकते हो, ओके। अब अगला देख लेते हैं इसमें आगे क्या लिखा है, क्या आपको अपने भविष्य में कुछ करने के लिए इस प्रक्रिया से कोई नई समझ मिली, लिखकर हमारे साथ साझा कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाँ, मुझे इस प्रक्रिया से अपने भविष्य के लिए एक नई समझ मिली जिससे मैं अपनी क्षमताओं को समझकर और उनमें कुशलता हासिल कर एक ऐसा कैरियर चुन सकूं जो मेरे भविष्य को उज्जवल कर सके और जीवन को एक नई दिशा देने और एक सफल इंसान बनने की समझ विकसित कर सके, ओके। आगे लिखा है मेरे जीवन का पेड़, ठीक है, अपने सपनों की दिशा को बढ़ाने के लिए यह भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सपनों तक कैसे पहुँचेंगे, क्या हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं या फिर हमें और लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। अब बच्चों ये देखो कि आपने पढ़ाई तो कर ली, ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, अब क्या आप अकेले ही चल पड़ोगे अपनी जॉब लेने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए या कहीं भी, या फिर किसी से सलाह करोगे, भाई मैंने ये कोर्स किया है, मैंने ये पढ़ाई की है, अब मुझे किस कैरियर में किस लाइन में जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है, कल्पना कीजिए कि पेड़ के अलग अलग भाग हैं, लोग हैं, वस्तुएं हैं, गुण हैं आदि हो सकते हैं, ठीक है, जो हमें अपने सपने पूरे करने में मदद कर सकते हैं। दूसरा दिया है ऐसी क्षमताएं, गुण और व्यक्ति जो आपके सपने पूरे करने में सहायक हो, उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखें, ठीक है, जो आपको लगता है जो आपकी क्षमता है, आपका गुण है, और कोई जो और व्यक्ति है जो आपके सपने पूरे करने में आपकी सहायता कर सकता है, ठीक है, वो मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, आपके दादा दादी, आपके रिलेशन में कोई हो सकता है, तो उन्हें चित्र में सही स्थान पर लिखें। और इस पेड़ के पास कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, लिखा है मूल और जड़, ठीक, मेरे गुण, क्षमताएँ, मूल्य, सोच इत्यादि, मेरे गुण क्या हैं, मेरी क्षमताएं क्या हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा मूल्य क्या है, ठीक है, और मेरी सोच क्या है, ये सब कुछ। मूल्य का मतलब ये नहीं होता कि मैं मेरी कीमत क्या है, नहीं जी, इसका मतलब ये होता है मेरे गुण क्या हैं, मेरे में कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, मैं कितना सीख सकती हूँ, ठीक है, मेरा मूल्य क्या है, मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मैं एक छोटा सा जॉब कर सकती हूँ या फिर मैं अपनी एक कंपनी खड़ी कर सकती हूँ, ये होता है मूल्य का मतलब, ठीक है, छोटे काम से शुरुआत करूँगी या एकदम ही सीढ़ी चढ़ जाऊँगी, ठीक है। और दूसरा है पेड़ का तना, पेड़ का तना क्या होता है बच्चों, वे लोग जो मेरे सपनों की दिशा में मेरे लिए मजबूत सहारा बनते हैं, वो कौन हो सकते हैं बच्चों, हमारे माँ बाप हो सकते हैं, जो एक तने की तरह, एक मजबूत ट्रंक की तरह हमें हमेशा सहारा देते हैं, काम करने के लिए हमारे को प्रोत्साहित करते हैं कि तुम पढ़ सकते हो, ये तुम कर सकते हो, तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये माँ बाप ही होते हैं जो तने की तरह पूरे पेड़ को साध के रखते हैं, सीधा रखते हैं, ठीक है। फिर आ गया शाखाएं, टहनी और डाली, जो ये छोटी छोटी पत्तियाँ निकली हैं वो क्या होती हैं बच्चों, अन्य सहायक लोग। अन्य सहायक लोग कौन होते हैं बच्चों,
वो होते हैं जो हमारे जीवन की शुरुआत में, हमारे जीवन के नए कैरियर की शुरुआत में हमारे लिए सहायक होते हैं। वो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, चाचा, ताऊ, मामा, जो अन्य रिलेटिव्स होते हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, वस्तुएं, गुण आदि जो मेरे सपनों की यात्रा में मेरी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास पुराना फ़ोन है, ठीक है, पुराना फ़ोन है, लेकिन जब तक आप कोई कमाई नहीं करोगे, जब तक आपकी पास पैसे नहीं आएंगे, तब तक आप उसी फ़ोन से अपना काम चलाओगे। ठीक है, तो वो वस्तु क्या हो गई, आपकी सहायक वस्तु हो गई, कि जिसने आपके जो ऐसा टाइम था जहाँ पर आप पैसे खर्च नहीं कर सकते थे, वहाँ पर उसने आपका साथ दिया। तो आप उसकी वैल्यू समझोगे ना, कि ऐसे टाइम में, मेरे सपनों की यात्रा में इस फ़ोन ने मेरा साथ दिया, कि उस टाइम चला जब मैं कैरियर की शुरुआत में था या थी, तो इसने मेरे बहुत सहायता की फ़ोन ने। ठीक है, क्योंकि आपके सारे कॉन्टैक्ट उसमें थे, और आपके जो इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल्स आते थे वो उस पे आते थे। ठीक है, तो कुछ भी वस्तु हो सकती है, आपकी साइकिल हो सकती है, आपकी मोटरसाइकिल हो सकती है। ठीक है, कैरियर की शुरुआत में जिसने आपने मोटरसाइकिल ने मतलब आपकी मोटरसाइकिल ने कैरियर की शुरुआत में बहुत साथ दिया, पहले आपके पास कोई साधन नहीं था ऑफिस जाने का, जब तक आपने कुछ कमाया नहीं, जब तक आपकी इनकम स्टार्ट नहीं हुई, तब तक आप पुरानी मोटरसाइकिल या साइकिल से अपना काम चलाते रहे। ठीक है, तो अपनी सपनों की यात्रा में जो मददगार साथी हैं, वो वस्तुएं भी हो सकती हैं, वो कोई लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल आप कुछ भी दे सकते हो। आगे लास्ट है बच्चों, पत्ते, फूल और फल। ये क्या है, मेरी आशाएं हैं, मेरे सपने हैं, मेरी आकांक्षाएं हैं। मेरी आशाएं क्या हैं, मेरी आशाएं हैं मैं अपने कैरियर को बहुत ऊपर तक पहुंचा दूं, मैं अब बहुत प्रिंसिपल बन जाऊं। ठीक है, मेरे सपने क्या हैं, मेरा बहुत नाम हो। मेरी आकांक्षाएं जो कभी ख़त्म ही नहीं होती। ठीक है, जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनका तो कोई अंत ही नहीं है बच्चों। मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, ऐसे ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब इन चीज़ों में आ जाती हैं। ओके, चलो, अब वर्कशीट तो आपकी फिनिश हो गई है। अब इसका जो क्वेश्चन है, इसको मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से करना है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से देना है, पेड़ वाले का। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, सफल उद्यमी बन सकते हो आप, मनपसंद कैरियर जैसे खिलाड़ी, लेखक, आईएएस ऑफिसर, लेखक, ठीक है, अध्यापक, गायक आदि बन सकते हो। ठीक है, अगला है आपकी शाखा, टहनी या डाली कौन है, आपका दोस्त, परिवार के अन्य सदस्य, आपका दोस्त हो सकता है, परिवार के अन्य सदस्य हो सकते हैं, अनुभवी लोगों से बातचीत मदद कर सकती है आपको, और किताबें आपकी। ठीक है, अगला है पेड़ का तना कौन कौन हो सकता है, क्षमता के तकनीकी ज्ञान व पढ़ाई करना। ठीक है, आपका तकनीकी ज्ञान आपके लिए तना बन सकता है, आपके माता पिता, आपके गुरु। ठीक है, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव सोच होनी बहुत ज़रूरी है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी इस वाले में। ठीक है, मूल और जड़ में क्या आएगा बच्चों, चुस्त व सेहतमंद, और खेलों में अच्छा करना, गायन व वादन, व्यापार करना, अच्छा भाषण देना। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर ये आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन, अपने पेड़ को देखते हुए आपको कैसा महसूस हो रहा है। अपने पेड़ को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इससे मुझे अपने भविष्य में जीवन और कैरियर के लिए एक प्रोत्साहन व दिशा मिलती है। जीवन में अपनी क्षमताओं और विभिन्न लोगों के सहायक का महत्व पता चलता है। इसी का अगला प्रश्न है बच्चों, लिखा है, क्या आपको लगता है कि आपके पास अपने कैरियर की दिशा में जाने के लिए पर्याप्त सहयोग है, यदि हाँ तो इस विषय में विस्तार से बताएं, तो इस विषय में विस्तार से बताएं, अगर नहीं तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो। तो आंसर है, अपने कैरियर की दिशा में जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त सहयोग है, मेरे माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों का पूर्ण सहयोग है, लेकिन मेरी अपनी क्षमताओं को सुधारने व बढ़ाने के लिए और प्रयास करने हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करना है, और कुछ ऐसे अनुभवी लोगों से भी सीखना है जो मेरे मनपसंद कैरियर की दिशा में कार्य कर चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट, मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर इसके फिनिश करवा दिए हैं। ठीक है, और अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और बच्चों आप एक लाइक करते हो तो बहुत खुशी मिलती है, कमेंट करते हो तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, तो बच्चों कोशिश करना कि एक कमेंट तो ज़रूर करो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।